नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश। और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री अभिजीत अग्रवाल 18 मार्च को शाम 5 बजे COMP फेसबुक लाइव के माध्यम से देंगे निर्वाचन से जुड़े हर सवाल का जवाब। होशंगाबाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह ने बनखेड़ी में किया मतदान केंद्रों और आंगनबाड़ी का निरीक्षण। कटनी में जिला पंचायत सभाकक्ष में संपन्न हुई मॉक पोल की प्रक्रिया। मुरैना जिले के जनपद पंचायत अंबाह में ईवीएम मशीन से किया लोगों को जागरूक। देवास जिले में पेड न्यूज व विज्ञापन प्रमाणीकरण के संबंध में मीडिया कार्यशाला आयोजित। केबल ऑपरेटरों तथा प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को भी दी प्रावधानों की जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुदाम खाड़े ने जानकारी देते हुए कहा कि मतदाताओं के चुनाव संबंधी हर सवाल का निर्वाचन आयोग द्वारा जवाब दिया जाएगा। इस हेतु 18 मार्च को शाम 5 बजे संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री अभिजीत अग्रवाल COMP फेसबुक लाइव के माध्यम से हर सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि मतदाताओं को जो भी चुनाव संबंधी जानकारी प्राप्त करनी है वे निर्धारित तिथि एवं समय पर COMP पर अपने सवाल कर सकते हैं। शनिवार को कटनी जिला पंचायत के सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर पंकज जैन व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की मॉकपोल प्रक्रिया संपन्न हुई। मॉकपोल प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर पंकज जैन ने ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की तकनीकी व संचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी, जिसमें उन्होंने मशीनों की यूनिट असेंबली, वोटिंग प्रक्रिया, काउंटिंग प्रक्रिया सहित अन्य तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्रदान की। इस दौरान हैंडसॉन मशीनों के संचालन की जानकारी के साथ ही मॉकपोल प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराते हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मॉकपोल कराया गया। होशंगाबाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह ने बनखेड़ी में शासकीय कन्या उत्कृष्ट हाई स्कूल में मतदान केंद्र क्रमांक 277 एवं 278 का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए प्रतीक्षा कक्ष, पेयजल आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतदान केंद्रों पर सभी मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। इस अवसर पर श्री सिंह ने वनखेड़ी परियोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए कहा कि वे बच्चों को शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ML छारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए मुरैना जिला प्रशासन ने स्वीप के तहत टीम गठित की है। ये टीमें समस्त विकास खंड एवं नगरी निकायों के अंतर्गत मतदान केंद्रों पर पहुंचकर ईवीएम एवं वीवीपैट की जागरूकता एवं मत डालने की प्रक्रिया को ग्रामीण एवं शहरी लोगों को समझा रहे हैं। इसी के तहत जनपद पंचायत अंबाह के PCO दादौरिया मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन से मतदाताओं को जागरूक करा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका दास ने समस्त लोगों से अपील की है कि वे जागरूक होकर ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रशिक्षण तौर पर अवलोकन करें और लोकसभा के लिए शत प्रतिशत महिला एवं पुरुष मतदान करें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत पांडे के मार्गदर्शन में शनिवार को पेड न्यूज एवं विज्ञापन प्रमाणीकरण से संबंधित प्रावधानों पर कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। इसके साथ ही कार्यशाला में केबल नेटवर्क विनियम अधिनियम 1995 तथा प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 127 का के तहत पंपलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर डॉक्टर SPS राणा द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उक्त संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।